Hello everyone, this is Vikram Singh from Galaxy English Academy, and today we will learn the formation of adjectives. आज हम adjectives की formation को सीखेंगे. Adjective को form कैसे किया जाता है? लेकिन सबसे पहले तो समझना जरूरी है that we have some independent adjectives. जो independent adjectives होते हैं, उन adjectives को हम form नहीं करते, वो already बने बनाए होते हैं. कह सकते हो आप ready made adjectives, जैसे yellow, red, etc. इस तरह के. लेकिन कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं विच आर डिराइव फ्रॉम अदर वर्ड्स, जिन्हें दूसरे वर्ड से ड्राइव किया जाता है. तो यहाँ पर हम नाउन से कैसे ड्राइव करेंगे वो सीख रहे हैं. नाउन्स में कुछ सफिक्सेस लगाकर हम कुछ एडजेक्टिव्स बनाएंगे. तो नंबर वन है हमारा वाई. सफिक्सेस के बारे में आप सभी जानते हैं? नहीं, मैं बता देता हूँ. क्योंकि सफिक्स वो वर्ड्स या लेटर्स का, वर्ड्स तो नहीं, लेटर्स का एक ग्रुप, या वो एक लेटर, कई बार एक लेटर हो सकता है, जैसे शुरू में एक लेटर लिखा हुआ है, कोई एक लेटर या लेटर्स का एक ग्रुप जो किसी वर्ड में के एंड में जुड़कर उसका मीनिंग बदल देता है, वो कहलाते हैं सफिक्सेस. ऐसे हर किसी को नहीं जोड़ सकते, सफिक्सेस जो होते हैं वही जुड़कर मीनिंग बदलते हैं. तो जैसे यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे लिखा है वाई. तो स्लीप एक नाउन है, स्लीप वर्ब भी होती है, स्लीप का मतलब सोना भी होता है, स्लीप का मतलब नींद भी होता है. तो स्लीप नाउन है, इसके बाद वाई लगाया बन गया स्लीपी. ऐसे इव, इव लगाया स्पोर्ट के साथ बन गया स्पोर्टिव. ऐसे हमने एल वाई लगाया फ्रेंड के साथ बन गया फ्रेंडली. ऐसे हमने ए आर वाई लगाया प्राइम, प्राइम मतलब मेन मुख्य, और इसके साथ ए आर वाई लगाया बन गया प्राइमरी. उसके बाद ए आर लगाया मॉड्यूल में बन गया मॉड्यूलर. एबल लगाया रीजन में बन गया रीजनेबल मतलब तर्कसंगत. इबल लगाया ऑडियो में तो बन गया ऑडिबल मतलब सुनने लायक, सुना जा सके. अल लगाया फंक्शन में बन गया फंक्शनल मतलब उसके वर्क से रिलेटेड, और या कभी कभार वाला. और ईएन लगाया गोल्ड में बन गया गोल्डन. लेस लगाया हमने केयर के साथ, ये बन गया केयरलेस. आगे वाला है फुल, वॉच के साथ फुल लगाया हमने, बन गया वॉचफुल. ऐसे केयरफुल भी बना सकते हो आप. वॉचफुल मतलब चौकन्ना, जो बड़ा ध्यान दे. एक मतलब ये लगाया हमने आइकन के साथ, बन गया आइकॉनिक मतलब सिंबॉलिक एक तरह से. और आईएनजी लगाया हमने कमांड में, बन गया कमांडिंग, सुना होगा ना कमांडिंग ऑफिसर. अस लगाया हमने वर्चुअल में, बन गया वर्चुअस. इश लगाया हमने चाइल्ड में, बन गया चाइल्डिश. और लाइक लगाया हमने चाइल्ड में, फिर बन गया चाइल्ड लाइक. जानबूझकर मैं दो जैसे लिखे हैं ताकि इनमें डिफरेंस आपको पता चल सके. इसका मीनिंग होता है बचकाना, बच्चों जैसी, बेहुदा, जिनमें कोई सेंस ना हो ऐसी हरकतें करना, वो होती है चाइल्डिश, या ऐसी बातें करना या ऐसे काम करना. और बहुत ईजी जो होता है वो होता है चाइल्ड लाइक, ठीक है, बच्चों के जैसा मतलब बहुत आसान बहुत पैसा, उसे चाइल्ड लाइक कहते हैं. फिर आ जाता है सम, ट्रबल प्लस सम, या फिर ओ के साथ भी लगा सकते हैं, ओ प्लस सम, तो ट्रबल सम बन जाते हैं. इसके साथ आपके लिए एक और बहुत चीज बता देता हूँ, ये तो नाउन वाले थे. अगर हमें किसी वर्ब से हमें एडजेक्टिव बनाना है तो क्या करते हैं, वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है उसको यूज करते हैं, जिसका क्या नाम होता है, पास्ट पार्टिसिपल, वो बना देते हैं, उसको यूज करते हैं. और मेन वर्ब की आईएनजी के साथ जो फॉर्म बन के आती है उसका नाम होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल. ये भी एडजेक्टिव की तरह यूज होती है. इनके एग्जांपल लिख देता हूं, जैसे ब्रोकन, ब्रोकन चेयर, चेयर कैसी है, टूटी हुई, ब्रेक से बना है ब्रोकन. तो यहां पर लिख देता हूं, चलिए ब्रोकन चेयर. तो यहां पर ब्रोकन क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, जबकि ये वर्ब था, ये नाउन है. ऐसे ये हैंगिंग, लटका हुआ, हैंग से बनाया है, हैंगिंग लगा के, हैंगिंग, हैंगिंग वाइन, हैंगिंग बर्ब, हैंगिंग कुछ भी हो सकता है, ठीक है. तो ये हैंगिंग हो गया और ये ब्रोकन हो गया, इस नाउन को हटा देते हैं, ठीक है, ब्रोकन और हैंगिंग. तो ये वर्ब से इस तरह से एडजेक्टिव बनते हैं, नाउन से इस तरह एडजेक्टिव बनते हैं, इन्हें ध्यान रखिएगा. आज के लिए इतना ही. वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच.